सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो उनकी जयंती हमेशा 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2014 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको 2014 से मना रहे हैं हम। तो इसमें हमारा पीछे से भी प्रोग्राम आता है, एक शपथ हर सभी डिपार्टमेंट्स में आती है भी, इसमें एक प्लेज करवाई जाती है सभी स्कूल कॉलेजों में, जितने भी स्टेडियम हैं उनमें मैराथन भी, रन फॉर यूनिटी। तो इसी उपलक्ष्य में सभी SHOs ने अपने लेवल पे तीन चार जगह सभी ने प्रोग्राम करवाए हैं। तो हमने भी एक तो गवर्नमेंट कॉलेज वोमेंस है जो सिरसा में, वहाँ और एक मोरीवाड़ा गांव में राजकीय उच्च विद्यालय है, वहाँ पे दोनों जगह प्लेज भी करवाई और रन फॉर यूनिटी, और उनके उनको थोड़ा सा राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में अवेयर भी किया गया। संदेश ऐसे जितने भी जो हमारे महापुरुष हुए हैं या जो आइडल हैं जो हमारे, उनके संदेश है, उनके जीवन के जो रहा है व्यक्तित्व, तो उसको फॉलो करना ही हमारा उद्देश्य है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के रूप में। तो उसमें वो लौह पुरुष भी थे, उन्होंने उनके खुद के जीवन में जो सिद्धांत अपनाए, तो यही संदेश दिया जाता है भी आप उन्हीं के अनुसरण करो उनको और अपने जीवन में अपनाओ। कानून के बारे में भी उनको, जैसे पुलिस की तरफ से प्रोग्राम कराए गए तो अवेयर भी किया गया है, ट्रैफिक को लेके हो, चाहे वो नशे को लेकर हो, चाहे महिला विरुद्ध अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो, तो सभी के बारे में बतलाया गया है। तो जब भी हमारे इसी तरह के प्रोग्राम होते हैं तो उनको ज्वाइंटली करवाते हैं, सभी के बारे में अवेयर करते हैं। आपके माध्यम से ये मेरी अपील है, सिरसा पुलिस जो पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर अर्पित जैन जी, वो नशे के को लेकर काफ़ी मतलब ज़्यादा है भी, उनका मकसद है सिरसा ज़िले से नशे को जड़ से भगाया जाए। तो आपने, आप जैसे डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ भी रहे हो, तो नशे के ऊपर काफ़ी कड़ा रुख है पुलिस का भी और कोर्ट का भी। तो नशे SP साहब की तरफ से काफ़ी मतलब जो अर्जित संपत्ति है जब नशे के ऊपर, जिन्होंने अपने अवैध संपत्ति खड़ी कर रखी है नशे को अपना व्यवसाय बनाकर, उन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध संपत्ति पंचायती ज़मीन पर कब्जे पे जो मकान बनाए जा रहे हैं वो भी ढाए जा रहे हैं काफ़ी जगह की, ये आपने न्यूज़ भी सुन रखी है, और उन पे मुकदमे भी दर्ज है और कोर्ट की तरफ से 3 साल 10 साल 15 साल कड़ी सजाएं भी सुनाई जा रही है। तो पुलिस प्रशासन तो इस पे काफ़ी सख्त है, लेकिन आपके माध्यम से मेरी अपील है भी, ये जो पुलिस तो अपना काम कर रही है, साथ में नशे की डिमांड भी प्रभावित होनी चाहिए भी, नशे की अगर मांग नहीं होगी तभी हमारा ये अभियान सफल हो सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने परिवार की तरफ से ये अपने अपने परिवार की जिम्मेवारी लेते हुए भी, उसके परिवार के बच्चे हैं वो नशे में ना पड़े, उसके परिवार का जो सदस्य है वो नशे से दूर रहे, नशे से जो व्यवसाय अपना ना माने, 100 बार आदमी सोचे भी, मतलब नशे से अगर मैं संपत्ति अर्जित करके अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करता हूँ तो उस पर पुलिस प्रशासन ऐसे कड़े रवैया अपना रहा है, तो उसको देखे ताकि लोग सोचने को मजबूर हो। आप भी इसको प्रचार प्रसार में हमारा साथ दे रहे हो, तो ताकि हमारा यही मकसद है भी लोगों को पता लगे भी नशा जो है वो दूसरे आदमी का बाद में नाश करता है, पहले खुद का नाश करता है। तो आप ऐसी संपत्ति को ना तो अपना आय का साधन बनाए, ना नशे को अपने जीवन में अपनाए, अपने परिवार से भी नशे को दूर रखें, तभी हमारी मुहिम सफल हो सकती है। अगर हर व्यक्ति अपने अपने परिवार का इसके प्रति ध्यान दे, अपने बच्चों पर ध्यान दे भी, वो किसी नशे से ग्रसित जीवन अपनाने को प्राथमिकता ना। पुलिस प्रशासन ने जो टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं SP साहब ने, तो ये आप 100% श्योर है, अगर कोई सूचना हमें देता है तो कोई उसके बारे में नहीं बताया जाता लीक, उसका नाम अगर वो बताए ना, हमें भी ना बताए तो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं पूछा जाता। अगर आप गुप्त सूचना भी दे सकते हैं टोल फ्री नंबर पे, और अगर आप अपना नाम भी बता देते हैं तो वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया जाता पब्लिक में। तो ये इसकी श्योरिटी पुलिस प्रशासन की तरफ से 100% आप बताएं, तब प्रशासन का साथ दें इस मुहिम में, ताकि नशे को जड़ से सिरसा से भगाया जा सके।